इतनी घिनौनी मूवी दोस्तों हॉलीवुड में ही पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये घिनौनगी की सारी हदें पार करती है। यानी कि इस मूवी को देखते वक्त हो सकता है कि आप 10-12 बार उल्टी भी कर दें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ अमेरिकन कार्नेज मूवी के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है अमेजोन प्राइम वीडियो पर। मूवी में न्यूडिटी भी है, साथ ही साथ कुछ ऐसे स्लैशर एक्टिविटी भी है जो कि हो सकता है कि आप सबके साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहें। तो दोस्तों चलिए थोड़ा बहुत प्रकाश डालते हैं अब इस मूवी की स्टोरी के ऊपर। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक ऐसे एजेंसी से जो कि पहले टीनेजर्स को पकड़ती है और पकड़कर अपने कारखाने लेकर चली जाती है और उन्हें इंजेक्शन देकर बड़ा करती है। जिस तरह पोल्ट्री मुर्गी को बड़ा किया जाता है इंजेक्शन दे देकर, उसी तरह ये इंसानों को इंजेक्शन दे देकर बूढ़ा करते हैं, उनके हड्डियों को नरम करते हैं और नरम करने के बाद उन बुड्ढों को सॉसेजेज बना देते हैं, यानी कि बर्गर में डालने लायक मीट का टुकड़ा बना देते हैं। यानी कि आप सोच ही रहे होंगे कि ये कितनी ज्यादा घिनौनी कंपनी है। पहले बच्चों को पकड़ो और उन्हें इंजेक्शन देकर बूढ़ा बनाओ और बूढ़ा बनाने के बाद उनके मीट को बेचो। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है ये पूरी की पूरी मूवी, इसीलिए ये मूवी दोस्तों सबके लिए नहीं बनाई गई है। ये मूवी स्पेशली वो तो जरूर देखें जो कि स्लैशर मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। मूवी की स्टोरी आपको सच में किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी, इवन इस मूवी की कॉन्सेप्ट आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको बहुत ही ज्यादा घिन आती है मीट वगैरह वगैरह देखने से, तो आप इस मूवी को आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में आपको घिनौने दृश्य बहुत सारे नजर आने वाले होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी मेरे लिए सच में रही अमेजिंग, क्योंकि मूवी की कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मूवी में स्लैशर एक्टिविटी भी पड़ी पड़ी है और मूवी की एंडिंग में आप अच्छा खासा एक्शन भी एंजॉय करने वाले होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इस मूवी को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.9 स्टार, क्योंकि दोस्तों ये मूवी मेरे लिए तो एटलीस्ट अच्छी ही रही, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। आप एक ऐसे वर्ल्ड से रूबरू होते हैं जहां पर पैसे के अलावा किसी को भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही होती है, यानी कि ये मूवी आपको हल्की फुल्की फ्यूचरिस्टिक भी लगने वाली होगी। मूवी की एंडिंग भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही आप चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों ये मूवी वो तो ना ही देखें जिनकी स्लैशर एक्टिविटी से पूरी तरह से फटती है और जो कि घिनौनगी भरी चीजें देखना मूवी में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।